AIMIM चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी रविवार देर रात माफिया मुख्तार अंसारी के घर मोहम्मदाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्तार के परिजनों से मुलाकात की। हालांकि इस दौरान ओवैसी से मिलने से मीडिया को रोक दिया गया। विधायक मनु अंसारी ने मीडिया को ओवैसी से दूर करने का निर्देश दिया। विधायक के निर्देश के बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर मीडिया को रोक दिया था। वहीं खबर लगने पर समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। पुलिस ने फिर से फाटक के पास बैरिकेडिंग कर दी थी, साथ ही फोर्स तैनात कर दी और मीडिया कर्मियों को बैरिकेडिंग के बाहर कर दिया गया। दरअसल रविवार देर रात AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि दी और गाजीपुर में उनके आवास पर गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने अंसारी की मौत पर दुख व्यक्त किया और लिखा, आज हम मृतक मुख्तार अंसारी के घर गए और उनके परिवार को श्रद्धांजलि दी। इस कठिन समय में हम उनके परिवार, समर्थकों और परिजनों के साथ खड़े हैं। उन्होंने भाजपा पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा, इंशाअल्लाह इस अंधेरे को चीर कर रोशनी आएगी। अगर आप फिरौन हैं तो मूसा भी जरूर आएंगे। आपको बता दें कि गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को शनिवार को गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। उनके पार्थिव शरीर को उनके माता पिता की कब्र के पास दफनाया गया। उनके अंतिम संस्कार के कारण गाजीपुर में भारी सुरक्षा तैनात की गई थी। उनके आवास से कब्रिस्तान तक जाने वाले रास्ते पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार की रात मुख्तार अंसारी का शव उनके गाजीपुर स्थित आवास पर लाया गया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि अंसारी की मौत हृदयघात के कारण हुई है। गौर हो कि मुख्तार अंसारी का गुरुवार को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के एक अस्पताल में इंतकाल हो गया। हालांकि उनके परिजन ने दावा किया कि उन्हें भोजन में जहर दिया गया था। अस्पताल की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार अंसारी को गुरुवार रात करीब 8:25 पर अस्पताल लाया गया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि मरने से पहले 9 डॉक्टरों की एक टीम ने उसकी देखभाल की थी। इस बीच 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है जो अंसारी की मौत की मजिस्ट्रेट जांच करेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।